स्टूडेंट गुड मॉर्निंग स्टैंडर्ड 6 मैथ चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.2 फाइंड द प्रोडक्ट बाय सूटेबल अरेंजमेंट। इसका मतलब है कि जो फिगर दिए उसके हमें प्रोडक्ट तो ढूंढने की है, निकालने की है, लेकिन उसको ऐसे अरेंज करना है कि वो हमें उसकी प्रोडक्ट निकालने में कोई दिक्कत ना हो। वो इजी ऐसे अरेंजमेंट करना है फिगर के वो इसकी प्रोडक्ट हम अच्छी इजी तरीके से निकाल पाए। तो फर्स्ट फिगर है 2 × 1768 × 50। तो जैसे दिया है वैसे हम करेंगे तो हमें बहुत ही मुश्किल होगी, लेकिन हम अपने आप इसको अरेंजमेंट करने का है ये फिगर को, तो हम मैंने दिखाया है ऐसे हम अरेंजमेंट करेंगे कि सबसे पहले 50 × 2 करेंगे और फिर 1768 करेंगे। तो 50 × 2 करेंगे तो 100 आ जाएगा, तो फिर 1768 पे वो 100 के दो जीरो लग जाएंगे और कुछ नहीं करने का है, 100 के ही दो जीरो उस पर लगा देने का है। दूसरा है 4 × 166 × 25। तो 24 × 25 करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 100। तो 166 पे 100 के दो जीरो लगा देने के हैं। ऐसे ही तीसरा है सी, तो 8 × 291 × 125। तो 125 × 8 करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1000। तो हमें 291 पे 1000 के थ्री जीरो लगा देने के है। ऐसे ही आएगा डी, तो 625 × 279 × 60। तो 625 × 16 करेंगे तो इसका आंसर आएगा 10000। तो 279 10000 के 40 लगा देने के है। ऐसे ई है, ई में भी मैंने करके दिखाया है 285 × 5 × 60। तो हम 285 पहले 605 × 60 करेंगे तो इसका आंसर आएगा 300। तो 285 × 300 तो इसका आंसर आएगा 85,500। तो आगे लास्ट है डी, इसमें भी ऐसा ही करने का है। इसमें 225 × 8 और 25 × 40 करेंगे तो दोनों का आंसर आएगा 1000। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 लग जाएंगे। ऐसे आपको ये सम करने के जो होमवर्क में भी करने के मैथ की नोट में। थैंक यू।